Hi guys, very good afternoon to all of you. Welcome to the session. Today we are going to do sample paper of C U E T. Okay. So we are gonna quickly do some questions about C U E T in biology so that you get an idea ki what could be a difficulty level and you are well prepared for the exam. So everyone ready? Yes, guys, come on. Is everyone ready for the class? Yes, we are gonna do C U E T. डिस्क्रिप्शन करोगे तो आप हमारा क्विज लाइव खेल सकते हो ठीक है बच्चे इसके अलावा आप नीचे आओगे यहाँ पे देखोगे सी यू टी का वेदांतों में कोर्सेस है साइंस का पूरा का पूरा कोर्स है और सिर्फ मेंटल एबिलिटी जीके और इंग्लिश का भी कोर्स है दोनों कोर्स आप चेक कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल पूरे साइंस के कोर्स में हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एप्टीट्यूड इंग्लिश और जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे एंड दिस कॉस्ट इज फॉर फिफ्टी फोर हंड्रेड का पूरा कोर्स फिफ्टी फोर हंड्रेड का पड़ेगा ठीक है अब दूसरा देखो हिय सीयू टी जीके मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश इसमें एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी एंड दिस विल कॉस्ट यू ट्वेंटी फोर हंड्रेड से बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप कुछ भी चूज कर सकते हो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गाइस इसमें जो भी कोर्सेज है गाइस इसमें क्या क्या अवेलेबल है? है, है ये जो हमारा पूरा का पूरा कौन सा कोर्स है ये जो मेंटल एबिलिटी का कोर्स है इसमें फिफ्टी फाइव सेशन है पांच टेस्ट है लाइव डाउट सॉल्विंग और अनलिमिटेड डाउट ऑन डाउट है ये सारी फैसिलिटीज है जब आप ये दूसरा वाला देखोगे जिसमें पूरा का पूरा साइंस है इसमें ज्यादा क्लासेस है समझ रहे हो ऑलमोस्ट डबल क्लासेस है तभी प्राइस इसका ज्यादा है क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एप्टीट्यूड इंग्लिश और जनरल नॉलेज सब है ठीक है इसमें टेन टेस्ट है उसमें पांच टेस्ट है लाइव डाउट सॉल्विंग और फ्री एक्सेस टू तो डाउट ऐप ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जा रही है तो यू कैन एनरोल गाइस देखो जिसका आई या नीट क्लियर नहीं होता उसकी आखिरी उम्मीद है सीयू एग्जाम ठीक है जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई सर मुझे लगता है मेरा नीट नहीं निकलेगा सी नहीं निकलेगा उसको इनमें एनरोल कर लेना चाहिए ठीक है परफेक्ट क्विज स्टार्ट करें कुछ पे आ जाए कर लिया आप लोगों ने वेरी गुड तो बेटा क्विज को ज्वाइन कर लो जो मैंने आपको लिंक दिखाया था ना या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वी क्विज डॉट इन वहां पर जाके ये कोड लगाओ आप मेरे क्विज में आ सकते हो ठीक है कम ऑन यस, यस बेटा वी विल डू केवीपी कोर्स ऑल्सो सून बट ये क्विज में एनरोल कर लो और ये जो क्विज है ना बच्चे ये आप बाद में भी खेल सकते हो ठीक है मान लो क्लास खत्म हो गई उसके बाद में भी यू कैन यस गाइस प्ले दिस क्विज ओके यस, वेरी गुड लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट

बट गाइज आंसर इज न्यू कॉर हैज बाई फ्लैच लेट जूज फॉर दिसमेंट ओके नेक्स्ट वन यस बच्चो ये जो खुज है ना ये आप बाद में भी खेल सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अमोग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाई में ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर सीड ग्रीन और येलो पॉड इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड स्टेम टॉल और क्या मेंडल ने कंसीडर नहीं करा था बहुत ही आसान सवाल है बच्चे जिन्होंने अभी नया एनरोल करा है ठीक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उस पर जाके क्विज को ज्वाइन कर सकते हो वेरी गुड एग्जैक्टली मेंडल ने ट्राइकोम को कंसिडर नहीं करा था सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट जिसमें ट्राइकोम नहीं था very good very good parshvi very good tanisha next question which idea is depicted by a cross in which f1 generation resembles both parent inheritance of the one gene co-dominance, incomplete dominance or complete dominance come on guys come on come on come on everyone एफ एंड रिजेंबल्स बोथ दी द आंसर इज को डोम ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना उसमें क्या होता है दोनों पेरेंट के कैरेक्टर यू नो क्या कहते हैं शो होते हैं उसको को डोमिनंस कहते हैं ठीक है कंप्लीट डोमिनंस में तो एक एक्सप्रेस होता है जो डोमेंट होता है को डोमिनस में दोनों एक्सप्रेस होते हैं वेरी गुड पार्सवी तनिषा अंजलि क्रिटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसमैच पाइनस डाइसीयस साइकस डाइसीयस साल्विनिया हेट्रोस्पोरस इक्विसेटम होमोस्पोरस बताओ कम ऑन गाइस Yes. Okay. बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे बाकी बच्चे एग्जैक्टली exactly बेटा इज नॉट डाइशियस डाइशियस मतलब मोनो क्या कहते हैं बस एक ही उसके पास मेल या फीमेल ऑर्गेन होता है ठीक है यस डेट्स अच परफेक्ट पता ना मोनिशियस डाइशियस क्या होता है मोनिशियस मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन सेम में होते हैं ठीक है डाइशियस मतलब अलग अलग में होते हैं वेरी गुड चिन्नू पार्शी ग्रेट जॉब आगे चलते हैं बेटा एग्जांपल्स पड़ रहे ना सब चीज ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिंप्लास्ट लिविंग कंटिन्यूम सेल वॉल एंड इंटरसेलर स्पेसिस नॉन लिविंग कंटिन्यूम नन ऑफ दीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिंपलास्ट

जल्दी 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 करो। इसको निपटाते हैं जैसे कि मैंने बताया, ये quiz आप आप खत्म होने के बाद भी जो link है description box में, वहाँ पे जाके खेल सकते हो। ठीक है वेरी गुड ये एग्जैक्टली मैंगनीज इज ओके जो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है मैक्रो जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है सर्वाइवल ठीक है चिन्नू तनिषा स्पंदनग्री जो बेटा नेक्स्ट वन हम्म hmm. डीएनए पॉलीमरेज लिंक्स न्यूक्लियोटाइड बाय फॉर्मिंग विच टाइप ऑफ बॉन्ड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड बताओ हाँ बेटा जरूर पॉसिबल है मिस्टर सी <laughs> जरूर पॉसिबल है एक्सैक्टली बेटा अरे यस चिन्नू तनिषा स्पंदन यस बेटा वेरी गुड क्वेश्चन क्या था उस क्वेश्चन नहीं भूल गया क्या क्वेश्चन था किस क्या कनेक्ट हो रहा था एक मिनट को देखते हैं क्या क्वेश्चन था बच्चों अरे यार कहा गया <laughs> नान ले लो क्यों ले ले भाई फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड था ना या फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड फॉस्फो बच्चों ने सही जवाब दिया था वेरी गुड समझ गया बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है पता है ना समझा देता हूँ थोड़ा सा बेटा <laughs> देखो कहा गया न्यूक्लियोटाइड पता है ना क्या होता है अभी यार एक तो पेन भी नहीं चल रहा आज का दिन ही देखो बेटा ये है हमारा है ना नाइट्रोजन बेस पेंटो शुगर और फॉस्फोरस ठीक है इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं ठीक है जो हमारा ये बैकबोन बनाता है इट मेक्स द बैकबोन ऑफ द इट मेक्स द बैकबोन ऑफ द डीएनए तो ठीक है यहां पे कौन सा बॉन्ड होता है इसको कहते हैं हम फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड क्योंकि जो फॉस्फेट होता है ये आगे वाले डीएनए के आगे वाले न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड होता है तो उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं ठीक है यहाँ पे सर ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए एनीवेज <laughs> <laughs> आगे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर डाइप्लॉइड स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस ये तो बहुत ही आसान है डाइप्लॉइड बताना 2n टू एन स्पर्मेटोगोनियन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनियन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कम ऑन हम्म, hmm. exactly में 2N number of chromosomes होते हैं, ठीक है? है, आगे चलो, समझ आ गया ना? Primary spermatocyte से बनता है, फिर प्राइमरी डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है क्रोमोसोम नंबर एन हो जाता है ठीक है वेरी गुड चिन्नू तनीशा स्पंदन ग्रेट वन

वेरी गुड गाइज एग्जैक्टली आंसर साइकस ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा बेटा ट्राई करो हो जाएगा ज्वाइन तो कर रखा चीन तस्पंद जीन इंट्रैक्शन एपीसिस डुप्लीकेट जीन इनकम्प्लीट डोमिनेस कॉम्पलीमेंट्री जीन्स कम ऑन गाइस करो इसको वेरी गुड वेरी गुड गज एग्जैक्टली द आंसर इज एपी जैसे कि बाल होते हैं ठीक है बालों का कलर तब ही होगा ना जब बाल होंगे ठीक है अगर बाल वाला जीन ही खराब हो जाएगा तो कलर भी नहीं हो पा तो वो एपिस्टेटिस मार्के तो इनकम्प्लीट डोम बट इट्स एन अलीलिको ये जो ये है ये दूसरे अलील के बारे में मतलब जो रिलेटेड नहीं है बट जो इनकम्प्लीट डॉमिनेंट उसमें अलील्स सेम होते हैं जब वो दोनों साथ में आते हैं तो उनका पिंक कलर आ जाता है मतलब जो इनकम्प्लीट तो इट इज एन अलीलिक पेयर के बारे में ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स डुप्लीकेट जीन चीज ये नॉन अलीलिक जीन के बारे में ठीक है जीन इंट्रेक्शन ियन बॉर्डली यूटिलटेरियन बिग यूटेरियन स्मॉलिटेरियन मतलब बेटा ये ना बाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं कि भाई अपने क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए एक होता है कि भाई अपने भले के लिए प्रोटेक्ट कर लो क्योंकि नेचर जो है इतना ज्यादा आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ठीक है बेटा उसको कहते हैं हम्म ठीक है उसको नैरो यूटिलिटेरियन की भैया नेचर से हमें फ्रूट्स मिलते हैं मेडिसिन मिलते हैं तो अपने बारे में सोचकर ही कर लो उसको फिर होता है कि भाई तुम नेचर को प्रोटेक्ट करो क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा है तो उसको ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कहते हैं ठीक है सर्विसेज दैट

most important climatic factor that regulate the rate of decomposition are temperature and soil moisture soil ph aeration aeration and temperature moisture and soil ph come on वेरी गुड गाइस टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करता है परफेक्ट गुड जॉब चिन्नू तनिषा स्पंदन ग्रेट जॉब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला बताओ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये इजी क्वेश्चन है कम ऑन गाइस एंड जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो नीचे वीक क्विज का लिंक है उस पर ज्वाइन कर सकते हो एक्जैक्टली बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेज ओके जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस ठीक है नेक्स्ट वन वेरी गुड चिन्नू तनीषा स्पंदन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज कॉल्ड टू एग्जामिन दमिशन ऑफ ई वेस्ट सी एफ सी यूवी रेडिएशन ऑल ऑफ दी बहुत ही आसान सवाल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने क्यों साइन करा था वेरी गुड बेटा नहीं भाई <laughs> emission of cfc के लिए करा था। भाई bhai uv emit थोड़ी ना होता है uv तो आती है ना सन से ठीक है और e waste से क्या है भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बेटा हर बार ऑल ऑफ दी अबव आंसर नहीं होता ठीक है और स्पेशली जो ऐसे एग्जाम होते हैं ना उनमें ऑल ऑफ दी अबव तो आंसर होता नहीं है ठीक है कभी भी उसको करने से पहले सोच लेना ठीक है ऑल ऑफ द अबव जनरली आंसर नहीं होता नेक्स्ट <laughs> वन

एग्जैक्टली exactly, बेटा उसमें रेस्पिरेशन नहीं होता क्योंकि वो खुद ही ऑक्सीजन को कैरी करता है तो वो वाली बात होगी ना जोमेटो वाला खाना डिलीवर करे और खाना खा गया ठीक है तो वो नहीं होता देन न्यूक्लियस नहीं होता तो डीएन रेप्लिकेशन नहीं होता बेटा ठीक है इसलिए मैकेनिज्म भी नहीं होता उसके अंदर ठीक है स्पंदन क्रिएट जो नेक्स्ट वन च ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिजम फॉर पब्लिक सर्विस बहुत ही आसान है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी रिसर्च कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन बायोसेफ्टी कमेटी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च किस आंसर इज जी ई ए सी अरे यार जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ओके इसको जीईएसी भी कहते हैं वो बताते हैं कि भाई कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आप यूज कर सकते हो चिन्नू तनिषा स्पंदन क्रिएटिव नेक्स्ट वन द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन एडियान्टम मार्केंशिया पाइनस पॉलीट्राइकम बताओ बता रे बेटा गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट यस yes. अभी बताओ गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन व्हाट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की कैसी होती है है ना बेटा यस उनके एग्जांपल्स मेनली पता होने चाहिए एक्जेक्टली गाइस द आंसर इज पाइनस ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट वन चिनू स्पंदन तनीसा ग्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन ICBN stands for International Code for Botanical Nomenclature, International Congress of Biological Names, Indian Code of Botanical Nomenclature, Indian Congress for Biological Names. Come on. ICBN stands for what? Yes. <laughs> yes, guys. It is basically. International Code for Botanical Nomenclature. चिन्नुस पंडंत नहीं सक्रिय जॉब। Next one, Which one of the following is now being commercially produced by biotechnological procedure? Nicotine, Morphine, Insulin, Paracetamol। भैया बहुत ही आसान है। कुछ क्वेश्चन तो रोमल एकदम बहुत ही क्या कहते हैं। Easy होंगे। ठीक है बेटा उसको लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं कुछ होते हैं डिफिकल्ट तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो परफेक्ट ग्रेट जो बेटा आंसर इज इंसुलिन इंसुलिन को हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम यूज कर सकते हैं इफ अ होमोजाइगस रेड फ्लॉवर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट

समझे सारे कंप्लीटली रेड होंगे भाई पिंक <laughs> इसमें ये थोड़ी ना बोला है कि स्नैप ड्रैगन का फ्लावर है उसमें ये तो नहीं बोला कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है है ना रेड और पिंक फ्लावर सिर्फ स्नैप ड्रैगन होता है और भी तो हो सकते हैं समझ रहे हो उसमें क्लियरली बता रखा था कि भाई रेड कंप्लीटली डोमिनेंट है कंप्लीटली डोमिनेंट तो सारे एफ वन में तो एफ कंप्लीटली डोमिनेंट वाले होंगे क्या कर लो बच्चों ठीक है थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से धैर्य से पढ़ा करो Node of Ranvier occurs where nerve is covered with myelin sheath, neurilemma and discontinuous, neurilemma and myelin sheath are discontinuous, myelin sheath is discontinuous. Come on. Very good.

नोड ऑफ तो क्या हुआ माइलिन चीज जहां पे डिस्कंटिन्यूस होती है वहां पे नोड ऑफ रैनिवेर आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट वन वेरी गुड चिन्नू स्पंदन तनिषा कोई चेंज नहीं है भाई हमारे टॉपर बच्चों में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्टिव एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ हिस्टोलिटिका फीड अपॉन ओनली ब्लड म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ फोल फूड इन इंटेस्टाइन कमॉन गाइस ट्राई करो इसको कम वेरी गुड गाइस यस एंटामीटी का क्या करते हैं एरिथ्रोसाइट म्यूकोस और सब म्यूकोस ऑफ कोलन को फीड करता है चिन्नू तनीश स्पंदन रेट जॉब नेक्स्ट वन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स फ्लोरल कैरेक्टर्स बताओ कम ऑन एग्जैक्टली बेटा फायलोजे होता है बेटा ठीक है उसके बेसिस क्लासिफाई करते हैं Next one. Phylogenetic हो गया ना मतलब phylogenetic मतलब हमेशा याद रखना ठीक है? साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कैरोलस लीनियस मैग्नीफेरा इंडिका मैग्नीफेरा इंडिका कारिन नॉन यस बेटा होता क्या था देखो होता क्या था बाइनोमॉर्मल क्लिक्चर में पहले तो जीनस फिर स्पीशीज लिखते थे फिर जो आइडेंटिफाई करता था ना उसका नाम भी लिख देते थे, थे। ठीक है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था बट जनरली अगर आप देखोगे बायोलॉजिकल नेम में पहले जीनस आता है फिर स्पीशीज आता है ठीक है और कई बार वो लोग क्या कहते हैं जिस जिसने फाइंड करा है उसका भी नाम लिखते थे वेरी गुड मॉस स्पोर जोमिनेट टू फॉर्म प्रोटोनेमा लिव कैमिटोफाइट लिप स्पोरोट प्रोथालस कम स्पोर जो टू फॉर्म वॉट प्रोटोनेमा लिव कैमिटोफाइट लिप स्पोरोट प्रोथालस वेरी गुड साइड बनता है वेरी गुडन तरीका नेक्स्ट वन रेडियो सिमेट्रीज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ ब्रासिका ट्रिफोलियम पाइसम कैसी वन बच्चों देखो जब भी देखो ना एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो एग्जाम्पल बेस्ड स्टडीज करा करो नोट्स बना ले करो हर चैप्टर के ना एग्जाम्पल्स के नोट्स बना ले करो ठीक है एग्जैक्टली सिमेट्री इज फाउंड इन ब्रासिका मतलब उसको किसी भी एक्सेस पे आप कट कर सकते हो ठीक है वेरी गुड चिन्नू तनिषा स्पंदन ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन गाइस विच ऑफ द फॉलिंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन Mediated breakdown of fats, carbohydrates, and protein, glucose 6 phosphate, fructose 1-6 biphosphate, pyruvic acid, acetyl CoA. Acetyl coenzyme A. Come on. Very good. Exactly what the answer is acetyl coenzyme A.

वेरी गुड ऑल एनजाइम्स आर प्रोटीन्स ठीक है तभी प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वेरी गुड आगे चलते हैं यू आर गिवन अ टिश्यू विथ इट्स पोटेंशियल फॉर डिफ्रेंसिएशन इन आर इन एन आर्टिफिशियल कल्चर Which of the following pair of hormones would you add to the medium to secure shoots as well as root? Iaa, gibberlin, auxin, cytokinin, auxin and abscisic acid, gibberlin and abscisic acid. acid. Come on. Very good, Bachche. Oxin and cytokinin you will add. वेरी गुड चिन्नू स्पंदन तनिषा ग्रेट जॉब नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ईसो एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पास थ्रू नेक लॉन्ग ट्यूब एंड थिक एग्जैक्टली इट इज नॉट मच थिक ठीक है लॉन्ग ट्यूब तो है पासिस ने पोस्टीरियरली ठीक है पोस्टीरियर क्या होता है बेटा होता क्या है जो नीचे की साइड से होता है ठीक है मतलब पीछे की साइड से होता है ये ठीक है तो गाइज एक्सैक्टली ऑल ऑफ दर ट्रू इट इज नॉट मच थिक वी कैन से चिन्नू स्पंदन गिर जाओ नेक्स्ट वन process of rna interference has been used in the development of plant resistant to nematode fungi virus bacteria come on मुझे तो लास्ट क्वेश्चन में एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मेरे ख्याल से वो लाइक जो लास्ट क्वेश्चन था ईथो फिगर्स के बारे में है ना वो थिक आई गेस वो क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ थी मतलब तो ऐसे नहीं कह सकते कि अब थिकनेस का क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना कि किसके लिए क्या थिक है सो <laughs> so, एक तो वो हो गया दूसरा ये भी है कि एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली क्या है ठीक है तो तो क्वेश्चन बस वेक तो उसको इग्नोर करते हैं लास्ट क्वेश्चन से पहले वाला ठीक है The process of RNA interference has been used in the development of plant resistant to nematode, fungi, virus and bacteria. Yes, याद है ना? Nematode, malaria का इन्हें इनको अग्निशाकी एग्जाम्स में इसको यूज़ करते हैं। RNA interference को। चिन्नुस पंडन तनिषा ग्रेटर। Next one। The label of herbarium sheet does not कैरी इंफॉर्मेशन ऑन डेट्स ऑफ कलेक्शन नेम ऑफ कलेक्टर लोकल नेम्स हाइट ऑफ प्लांट बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होगी भाई बहुत ही मतलब लॉजिक लगा के करो इसको सॉल्व एग्जैक्टली ऑब्वियसली हाइट ऑफ द प्लांट का क्या ही करोगे उसका नाम लोकल नेम क्या है कलेक्ट किसने करा है उससे तो फर्क पड़ता है ना हाइट से क्या फर्क पड़ता है हाइट तो हर दो दिन में चेंज हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट वन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर लॉन्ग फाइबर एंड रेसिस्टेंस टू एफिट्स मीडियम लॉन्ग फाइबर एंड रेसिस्टेंस टू बीटल पेस्ट हाई एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल डिप्टेर पेस्ट हाई एंड रेसिस्टेंस टू बॉल कमॉन exactly and beta high yield and resistance to the ball worm perate ko aisa koi high toxic protein nahi produce karta theek hai normally produce karta hai wo bas ball worm se resistant deta usko so answer is option d sach chinnu spandan tanish agrade jab next one From an evolutionary point of view, tracheids and sieve tubes are more primitive than trachea and sieve tubes, respectively. The angiosperms have trachea, sieve cells, and sieve tubes. Tracheids, trachea, and sieve tubes. Trachea and sieve tubes. Trachea, trachea and sieve tubes tracheids, trachea, and sieve cells. वेरी गुड यार बच्चों तुम तो एकदम स्मार्ट हो रखे हो <laughs> <Great>. <laughs> ये क्वेश्चन तो काफी एकदम पेचीदा सा था एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंट्रोडक्शन थ्रोम्बोप्लास्टिन फाइब्रोजन हेपारिन प्रोथ्रोम्बिन

Yes! Whether that is Seismonasty. nasty. Very good. Seismo nasty is non directional movement. Next one. The muscles in the eye associated with pupils are unstriated and involuntary, striated and voluntary, striated and involuntary, unstreated and voluntary. Come on, guys. What is very good guys obviously the smooth muscles are there okay they are involuntary perfect good job here are smooth muscles are unstriated and they are involuntary good job hmm which of the following animals are true coelomates with bilateral symmetry adult echinoderms schilminthes Platyhelminthes, annelids किन का ट्रू सिलोम है और बायोलेट्रल सिमेट्री बाट्रल सिमेट्री मतलब दैट यू कैन कट देम इनटू टू इक्वल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन वेरी गुड गाइस एग्जैक्टली आंसर्स आर एनालिडा नेक्स्ट वन two offsprings developed in the same uterus from fertilization of different ova are monozygotic twins dizygotic twins fraternal twins both b and c come on two offsprings developed in the same uterus two different ova

Very good on stimulation, sympathetic nervous system, yes, guys, does all of these increase sweat, tear, and decrease saliva. A decrease in blood pressure volume will not cause the release of adh renin, anf, and aldosterone. Come on. एक्टलीस exactly. yes, बेटा आंसर इज ए एन एफ है ना ए एन एफ खुद से ब्लड को प्रेशर को डिक्रीज करता है तो ऑलरेडी डिक्रीज हो गया तो ए एन एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी के तीन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं टू तो इंक्रीज द जी एफ आर ओके नेक्स्ट वन गुड वन बच्चों बढ़िया कर रहे हो यार लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड एक्ट द दे डू नॉट कोलैप्स इवन द फोर्सफुल एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ एक्सपिरेटरी एक्सप्रेटर वॉल्यूम इंस्पिरेटरी इंस्पिटर वॉल्यूम रेजिडियल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम बताओ लंग्स के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो कोलैप्स नहीं करते वेरी गुड गाइस ओके लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है जिसकी वजह से वो कोलेप्स नहीं करते मतलब जितना भी एक्सपायर कर लो थोड़ा सा एयर हमारे लंग्स में रह जाता है नेक्स्ट वन Roof of diencephalon is made up of epithalamus, hypothalamus, infundibulum, thalamus. Come on. इस गाइस रूफ ऑफ डाइन सेफलॉन मेड अप ऑफ यस एपी थलामस ठीक है एपी मतलब होता है ऊपर थलसथलॉन तो उसके ऊपर वाला थलामस, चिन्नू स्पंदन साई ग्रेट जॉब दिस है प्रोक्सीमल कॉन्वर्ट ट्यूबुलज रिमूव्ड फ्रॉम द नेफ्रॉन पीसीटी इज रिमूव्ड फ्रॉम द नेफ्रॉन यूरिन इज नॉट फाउंड क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ यूरिन इज अफेक्टेड यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज मोर डायल्यूटेड वॉट विल है पी सी डी में क्या होता है गाइस ये बेटा राम, पीसीडी में मेजर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ यस वाटर टेक्स प्लेस ओके मेजर ऑब्जॉप ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन पीसीटी अगर वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा यूरिन जो है डायल्यूट हो जाएगा very good next one approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as carbamino hemoglobin by binding to rbc in the form of dissolved gas molecules as bicarbonate ions come on guys 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as Exactly, guys, as bicarbonate ions. Bhai ye toh easy. 70% as bicarbonate ions, 23% as carbaminohemoglobin and 7% dissolved in this yes guy's plasma. Come on. Very good. Next question Spiracles in cockroaches are analogous to dash in humans. Batao. Trachea, nostril, lungs, all of the above.

इलियक्सिस्टिक रीनल सीरिया विच आर ट्री पासिस ब्लड टू द किडनी ये तो बहुत ही इजी है ऑप्शंस <laughs> बहुत ही बकवास है ठीक <laughs> है बेटे ऑप्शन बहुत ही खराब है मैंने आपको बताया हुआ है हैपैटिक मतलब होता है लिवर और बताओ रीनल मतलब होता है किडनी वेरी गुड हेपेटिक मतलब होता है लिवर रीनल मतलब होता है किडनी ठीक है रीनल आर्टरी रीनल वेन हेपेटिक आर्टरी हेपेटिक वेन कर सकते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजिंग ऑफ सेमिलूनर वाल्व एंड क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंटिकुलर वाल्व इज 0.3 सेकंड 0.5 0.1 0.4 सेकेंड कम ऑन ग्रेड ये ये क्वेश्चन हमने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में भी करा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग है ना वेरी गुड पॉइंट फाइव सेकेंड्स ये हमने लास्ट बार भी करा था सेकंड लास्ट क्वेश्चन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन इज बिल्ट इन द ग्लोमेरुलस एस साइज ऑफ वॉमन कैप्सुल सिग्निफिकेंटली लार्ज एंड इफरेंट आर्टेरियोलिस नैरो कंपेयर टू इफरेंट वॉमन कैप्सुलिस कप शेप्ड

ठीक है वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन किडनी इन ह्यूमन बॉडी एक्सटेंड फ्रॉम दिस लेवल फिफ्थ थोरासिक वर्टिवरे टू थर्ड लंबार एट थोरासिक टू ट्वेल्थ लंबार वर्टिवरे टेन्थ थोरेसिक टू फिफ्थ लंबार वर्टिव्रे ट्वेल्थ थोरासिक वर्टिव्रे टू थर्ड लंबा वर्टिव्रे कम

Chalo. Thank you for joining guys. I'll see you in the next class. Keep smiling and yes, have a great day. Take care. Bye bye.